किसी शायर ने कहा है कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग आते रहे और कारवां बनता गया। यही हाल हुआ चंद्रशेखर के साथ नगीना में। नगीना से जीत जाने के बाद उनके जो समर्थक है वो आज हमें मिल गए हैं, क्या कुछ कहना है? चंद्रशेखर जी जो है 1.5 लाख मतों से जीते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर भैया जो जीते हैं 1.5 लाख वोटों से, उनके लिए भारी से भारी हमारे शुभकामनाएं हैं। और अभी तो वो चंद्रशेखर भैया भारी उम्र से भी थोड़ी जगह से जीते हैं, अबकी बार संसद में नहीं अबकी पूरे ब्रह्मांड में राज करेंगे। उनका पूरा मतलब ये मान के चलिए आप, चंद्रशेखर जो भैया है दलितों के मसीहा है, उसको पहली बात है। उसके बाद में हमारे लोग के मतलब सर प्रताप है, मतलब बहुत अच्छे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को दलितों ने एक तरीके से पूरे इस चुनाव में नकार दिया, एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी नहीं निकाल सकी है, सिर्फ चंद्रशेखर की जो है एक सीट निकली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर भैया की एक सीट निकली है, अभी एक नहीं अभी पहली बार मरतबा चुनाव लड़ा है उन्होंने। अब ये जान लो बीजेपी से कितना टक्कर से आगे जीते वो, पहले ये अनुमान लगा लीजिए। मोदी से ज्यादा नंबरों से जीते हैं, मोदी पहली बार चुनाव जीता है तो बताइए कितने बहुमत से जीते हैं, 1 लाख किस वोट कितने वोटों से जीते हुए हैं, 1,25,000 कि नगीना जो सीट है वो एकदम हॉट सीट बन गई थी। बहुजन समाज पार्टी की ओर से लगातार बड़े नेता कैंपेन कर रहे थे, समाजवादी पार्टी की ओर से भी कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर रहे थे, मगर इसके बीच में चंद्रशेखर ने अपनी सीट सुरक्षित कर ली, एक सीट जीत कर वो जो सड़कों पर आवाज उठाते थे अब वो संसद में आवाज उठाएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे चंद्रशेखर की जीत पर? भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज संसद भवन में पहुंचने का काम कर रहे हैं, अब हमें लगता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में पहुंचेंगे तो एक सांसद जो है वो सौ पर भारी है। तो इसलिए हम युवा लोग इसलिए साथ हैं क्योंकि अगर कोई मुसीबत होती है, अन्याय होता है, चंद्रशेखर भाई सबसे पहले आएंगे आगे, और जब तक न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक रोड से उतरेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, और इसीलिए हम युवा उनके साथ हैं। और ये चीज़ मायावती के अंदर नहीं है, मायावती बंगले में बैठी रहती है, कोई दलित चाहे हत्या हो जाए चाहे उसके साथ दुष्कर्म हो जाए, मायावती एक कमेंट भी नहीं करेंगी क्या हुआ क्या नहीं, इसीलिए ये कारण है आज नगीने से वो सांसद बने हैं, उनके साथ मुस्लिम और यस्सी पूरा साथ है। जीते ये पहली बार लड़ा है और पहली बार ही जीते 1,40,000 मायावती तो कोई गेम नहीं बजा पाएंगे, तो क्या करेंगे, भगवान तो वहीं बैठी रहेंगे बंगले पे, और बस कोई आवाज़ उठाता वो कुछ नहीं बोलते हैं। एक केवल चंद्रशेखर आजाद ही है जो किसी दलित की बात उठती है, संसद तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी जरूर, वो पहुँचाएंगे। एक आदमी है जो देखना सांसद में इतना हंगामा मचाएगा, जो सिस्टम बनता था कि मान लो एक ही से सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो एक ही बार में ताकत बढ़ी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे चंद्रशेखर की जीत पर? पहले तो मैसेज हमारा ये है कि मैं सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम कहना चाहूँगा और आपको पत्रकार बंधुओं को भी जय भीम कहना चाहूँगा, लेकिन जो चंद्रशेखर भाई की मेहनत, आप वोटों की तरफ मत देखिए, ये मत देखिए कि उनको वोट क्यों मिला है, वो चाहे SC हो चाहे OBC हो चाहे मुस्लिम कोई भी किसी भी समाज का हो, चंद्रशेखर भाई को हर कोई, युवा हो बुजुर्ग हो, हर कोई चाह रहा है। इसका कारण है कि बड़े भाई ने मेहनत की रोड पे जाके, अगर आप हमारे साथ अत्याचार हो रहा है तब भी बड़े भाई खड़े हैं, आपके साथ हो रहा है तब भी बड़े भाई खड़े हैं, बड़े भाई ने रोड पे मेहनत की है, ना कि कुर्सी पे बैठ के मेहनत नहीं की, उन्होंने मेहनत की है रोड पे जाके, जनता के बीच में जनता का प्यार पाया है, जनता का ये वोट का मत, वो ये जो उनका प्यार है वोटों से मत तोलिए, क्योंकि उन्होंने प्यार पाया वोट नहीं पाया। आपको कहना चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन में सपोर्ट करेंगे चंद्रशेखर, जाना चाहिए? देखिए वो हम नहीं कह सकते क्योंकि जाना चाहिए, आपकी राय ले रहा हूँ मैं, नहीं कुछ कह सकता क्योंकि बड़े 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 भाई की राय है, वो क्या करना चाहेंगे क्या नहीं करना चाहेंगे। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो बड़े भाई की क्या बात हुई है क्या नहीं हुई, लेकिन इससे पहले ये कहना चाहूँगा कि बड़े भाई के साथ में जो अखिलेश ने वादा किया था कि अभी उपचुनाव हुआ था अपना खतौली विधानसभा पे, तो चंद्रशेखर भाई ने सीधा तरफा बोल दिया था कि बीजेपी हमारा समाज जो है बीजेपी को वोट ना देकर वोट सभा को कर दे, जिससे हमारा बहुजन समाज आगे बढ़ सके, हमारे ऊपर अत्याचार ना हो, लेकिन उसका बदला जो दिया है, जो परिणाम अखिलेश भैया ने दिया है, वो चंद्रशेखर भैया जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने कहा था, वादा किया था कि हम जहाँ पे चंद्रशेखर भाई उतरेंगे वहाँ से अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन अब उन्होंने क्या सोच के उतारा है क्या नहीं वो अखिलेश भाई तय करते हैं। चंद्रशेखर भाई ने मतलब उन्होंने आज तक बड़े भाई ने कोई कमेंट नहीं किया, ना उन्होंने कभी कोई ऐसा लग रहा, क्योंकि वो आज भी हमारे बड़े भाई जो हैं चंद्रशेखर भाई आज भी अपने बहुजन समाज को इकट्ठा करने में लगे हैं, लेकिन बहुजन समाज के कुछ लोग जो हैं उनको फर्क नहीं पा रहे हैं। सभी भारत के सभी मूल निवासी जो हैं और भारतीय हैं सभी लोग अब जान चुके हैं कि बड़े भाई ने क्या मेहनत की है, और मेहनत की बदौलत से ही वो आज जीत, उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। किसी शायर ने कहा है कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग आते रहे और कारवां बनता गया। यही हाल हुआ चंद्रशेखर के साथ नगीना में, रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। ये उनके कुछ समर्थक थे जो अपनी बात रख रहे थे। चलिए आगे कुछ अपडेट और देते हैं। नमस्कार।